गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और कब कंडक्ट किया जाता है और कौन कौन सी क्लासों में एडमिशन्स के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये इन जनरल बताया जाएगा। मैंने लास्ट ईयर का जो अभी सेशन चालू हुआ है इसका एग्ज़ाम्पल लिया है। तो हम लोग की तैयारी रहेगी 2020-21 की। तो ये लास्ट ईयर का जो इन्होंने एक लेटर लिखा था टू की प्रिंसिपल्स ऑल सैनिक स्कूल्स को कि किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है करके, तो इसका नॉर्मली शेड्यूल रहता है कि जो प्रॉस्पेक्टस और ये एडमिशन फॉर्म है वो नॉर्मली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चालू हो जाते हैं और नवंबर एंड तक चलते रहते हैं। इसकी लास्ट डेट रहती है एप्लीकेशन फिलअप करने की 1 दिसंबर या ऑलमोस्ट नवंबर एंड में मान लीजिए। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका रहता 1st week of January। इसमें दिया था कि 1st Sunday of January में था अभी जो कंडक्ट हुआ था। उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाती है वो फरवरी के 1st week में एंड उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन चालू हो जाते हैं और फाइनल लिस्ट जो आती है वो मार्च के 1st या 2nd week में आ जाती है। तो ये इनका एक शेड्यूल था। तो उसके हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि कब से चालू होगा और कब एग्जामिनेशन प्रोसेस में कौन कौन सी तारीख में क्या डेडलाइंस रहेगी। उसके बाद आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है नॉर्मली एडमिशन के 6th class और 9th class के लिए होता है और ये ओनली बॉयज़ के लिए होता है। गर्ल्स स्टूडेंट्स नॉट अलाउड। क्लास 6 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की एज जो होनी चाहिए 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए और क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल के बीच में। और ये जो 31 मार्च का जो क्राइटेरिया रहता है कि उस डेट में ये 12 साल का कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए क्लास 6 के एडमिशन के लिए। और क्लास 9 एडमिशन के लिए बॉयज़ शुड बी स्टडिंग इन क्लास 8 इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और एडमिशन जो है वो स्ट्रिक्टली मेरिट के बेस पे होता है। रजिस्ट्रेशन फीस रहती है 400 रुपये जनरल और डिफेंस कैटेगरी के लिए और SC/ST के लिए 250 रुपये। जो सैनिक स्कूल होते हैं वो अपना एडमिशन प्रोसेस अपने स्टेट में कराते हैं और जिन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में सैनिक स्कूल्स नहीं है जैसे ये लिस्ट दी है तो इन स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे दिल्ली में एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए सैनिक स्कूल कुंचपुरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ऐसे चंडीगढ़ में सैनिक स्कूल कपूरथला को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो एक पूरी लिस्ट उन्होंने दी है कौन सी स्कूल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मीडियम एग्जामिनेशन यहाँ लिखा है कि क्लास 6 में एडमिशन के लिए इंग्लिश और हिंदी रहता है और ऑल रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है, बट क्लास 9 के लिए जो रहेगा वो खाली इंग्लिश रहेगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर डिफेंस सर्विस पर पर्सन और एक्स सर्विस मैन के लिए 25% रहते हैं ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअल में, तो 40% रहेंगे कम से इन एग्रीगेट। बट इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। एंड इसके बाद में जो आता है इन केस ऑफ हाँ, अगर कोई कैंडिडेट SC/ST का जनरल मेरिट पर आ जाता है तो उसको जनरल सीट अलॉट की जाती है। 300 मार्क्स का रहता है क्लास 6 में और 400 मार्क्स का रहता है क्लास 7 में। मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन विल बी कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट। अगर कुछ टाई होता है मार्क्स का दो स्टूडेंट के बीच में तो मैथमेटिक्स पहले मैथमेटिक्स के स्कोर को देखा जाता है, जिसका स्कोर हाई होता था मैथमेटिक्स में उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर में नंबर मार्क्स ऊपर में पोजीशन किया जाएगा। अगर उसमें भी टाई है तो इंग्लिश और ऐसे फर्दर ऐसे बढ़ा जाएगा। इसमें रिजर्वेशन होता है 50% जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 7.5% जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए है। बाकी के रिमेनिंग 67% जो है वो जो जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है उसके लिए रिजर्व रहता है। बैलेंस 33% जो होता है अदर स्टेट के लिए दिया जाता है, वो उनकी मेल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दिया जाता है। बाकी 25% जो होती है ओवरऑल में से वो उसमें आपको एक्स सर्विस मैन और जो डिफेंस सर्विस के पर्सनल हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा मैंने इसको आपको बताया है क्या प्रोसेस रहेगा और क्या शेड्यूल रहेगा। तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अगर अपेयर होना चाहते हैं क्लास 6 या क्लास 9 एडमिशन के लिए
तो इसके लिए अभी से तैयारी कर दीजिए। मैं इसको पोस्ट करूँगा, मैं इसके क्वेश्चंस पेपर मैं आपको सॉल्यूशन पोस्ट करता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी द क्वेश्चन पेपर एंड अदर फर्दर गाइडलाइंस के लिए भी मैं टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करूँगा उसके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।